हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर सा नेट का ब्लाउज बनाना बताऊंगी, और वो भी प्रिंसेस कट। तो यहाँ पे मैं आपको 3 लेयर का प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाना बताऊंगी। तो बहुत आसान तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, तो इसके लिए बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो पिछली दिवाली पे मैंने ये लहंगा चोली बना के तैयार किया था। इसमें मैंने लहंगे को सिलना कैन के साथ बताया है। तो अगर आपको ये वाली वीडियो देखनी है तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ये तीनों पीस ले लिए हैं। अब इसकी मैं मार्किंग करूँगी। तो मार्किंग यहाँ पर मैं करूँगी कॉटन के कपड़े पर, इससे मैं परफेक्ट मार्किंग करूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसकी हाइट ले ली है, तो इसकी टोटल हाइट ही मैं यहाँ पे करने वाली हूँ 14 इंच की, ठीक है। तो 14 इंच की हाइट करने के बाद में मैंने इसे 1 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लूँगी 15 इंच। तो ये हमारा बैक पार्ट है। और अभी देखिए, यहाँ पे मैंने 1 इंच ज़्यादा ले लिया है और ये हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो टोटल यहाँ पर मैंने ले लिया है 15 इंच, ठीक है। 15 इंच लेने के बाद में अभी मैं इसके शोल्डर पे निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं मटका गला बनाऊंगी, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे इसकी शोल्डर वगैरह लूँगी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। तो जिसका भी ये ब्लाउज है उसके शोल्डर हैं 14 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 7 इंच पे प्रॉपर निशान बनाया है, क्योंकि यहाँ पर मैं बनाऊँगी मटका गला। तो मटका गला बनाने के लिए, अगर आप मटका गला नहीं बनाते हैं तो इसको 1.5 इंच कम कर देंगे, ठीक है। यहाँ कर देंगे हम 5.5 इंच। और यहाँ पे बनाना है मटका गला, तो इसके लिए हमने प्रॉपर से 7 इंच ही ले लिया है। ब्लाउज की चेस्ट की फिटिंग 34 इंच की है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने लिया है 8.5 इंच। 8.5 इंच को हम यहाँ पे सीधा कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, आप यहाँ पर 1.5 इंच या जितना भी ले सकते हैं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बैक पार्ट है, तो यहाँ पर हमने 2 इंच पे इस तरह से हम घुमा दे देंगे। और अब देखिए, यहाँ पे हमें इसका गला करना है, तो गला मटका गला करना है। तो इसके लिए हमने 3.5 इंच पे इसकी चौड़ाई दी है, और इसकी लंबाई यहाँ पे हम देंगे 10 इंच, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर हमें गला तैयार चाहिए 10 इंच। तो इसके लिए हमने 10 इंच पे निशान बना दिया है। अब इसके बाद में देखिए, यहाँ से हमने 3.5 इंच पर एक निशान लगाया और यहाँ पर बना लिया एक बॉक्स। बॉक्स बनाने के बाद में इसमें हम ऐसे देखिए, यहाँ पे बॉटनेक का शेप दे देंगे अच्छे से। और यहाँ से हमने 1/2 इंच एक निशान लगाया, और नीचे कितना बचा है यहाँ पे 6 इंच। तो अभी टोटल ऊपर भी सिलाई में जाएगा और नीचे भी, तो यहाँ पे हम 11 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो 11 इंच से हम यहाँ पे मटका गला का शेप देंगे अच्छे से घुमाते हुए। जितने अच्छे से आप यहाँ पर घुमाएँगे और उतना ही अच्छा यहाँ पर गला बनेगा, ठीक है। घुमाते समय अच्छे से यहाँ पे कर्व एकदम कर्व दीजिएगा इस तरह से। तो कटिंग जितनी अच्छी होगी गले की, उतना ही अच्छा आपका गला बनके तैयार हो जाएगा। यहाँ पे इसमें हमने फैलाव दिया है 3.5 इंच का, क्योंकि यहाँ पे मैं 34 इंच का ब्लाउज बना रही हूँ। अगर आप यहाँ पे 38 या 40 का ब्लाउज बनाना चाहते हैं और उसका गला बनाएंगे इस तरह से, तो आप यहाँ पर 4 इंच का भी फैलाव देंगे, तभी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने पीछे के पार्ट में 5 इंच पे ये हमने प्लेट्स का निशान लगाया है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो बैक पार्ट का पूरा निशान है वो अच्छे से लग गए हैं। अभी से हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप प्रिंसेस कट बनाते हैं तो आपको अलग अलग कट करने से, आपको पेपर पे या किसी पे कट करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे पहले बैक पार्ट कट करिएगा, बाद में फ्रंट पार्ट, क्योंकि फ्रंट में हम जब कटोरी बनाते हैं तो हमें उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लगता है। तो इसके लिए यहाँ पे हमने सबसे पहले बैक पार्ट कट करेंगे, उसके बाद में 1.5 इंच बढ़ा के फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो ऐसे हम डायरेक्ट कपड़े पे ही कट कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा जो गला है वो भी बढ़िया से कट गया है। तो गले आप चाहे कितने भी बना लो, लेकिन जो गला मटका गला का शेप आता है पीठ पे जाके, वो बहुत ही खूबसूरत आता है। वो अभी यहाँ पे मैंने ये सारे निशान बना लिए हैं। तो इस तरह से हमारा जो बैक पार्ट है बढ़िया से कट के तैयार हो गया है। अब हम कट करेंगे फ्रंट पार्ट। तो देखिए, फ्रंट पार्ट को क्या करना है, जो ऊपर का लंबा कपड़ा बचा था अभी हमें इसे ऐसे रखना है, ठीक है। ऐसे रखने के बाद में तो जहाँ से हमारा गला है वहाँ पर प्रॉपर मिलाना है, और यहाँ से हमने ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब इसको हम इस तरह से ऐसे रख देंगे,
तो ये देखिए आप कि जो हमारा प्रॉपर जो हमने बैक का कट किया था वो उतना आगे था, ठीक है। और जो फ्रंट का है तो उसका निशान आप देखिएगा यहाँ पे कितना पीछे है। तो यहाँ पे जो मैंने 1.5 इंच बढ़ा दिया है वही 1.5 इंच यहाँ पे पीछे हो गया है, ये देखिए आप। तो इस तरह से हमें फ्रंट का जो आर्म होल है वो कट कर लेना है। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे जो इसकी प्रॉपर कटिंग है उस पर मैं निशान बनाऊँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैं इसका नेक बनाऊँगी। तो मैंने पीछे का कितना लिया था 3.5, सतो 3.5 यहाँ पे नहीं लेना है, हमें लेना है यहाँ पे 2.5 इंच, ठीक है। 2.5 इंच लेने के बाद में इसकी जो लंबाई है वो मैं यहाँ पे कर लूँगी 7.5, क्योंकि लहंगे का ब्लाउज है थोड़ा सा बड़ा गला ही अच्छा लगता है। नीचे से मैंने लिया है 3 इंच। इस तरह से मैंने गले की मार्किंग की है। अब मैं इसमें शेप लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मंदिर शेप लूँगी क्योंकि बनने के बाद बहुत अच्छा लगता है। तो अभी देखिए यहाँ पे हमें टोटल यहाँ पे रखना है 5.5 इंच फ्रंट का। तो मैं यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान बनाऊँगी। तो ये देखिए यहाँ पे जो फ्रंट के शोल्डर हैं वो हमें यहाँ से लेने हैं ये, क्योंकि अगर हम पीछे से ये करते तो पीछे से जब हम डोरी बांधते हैं तो पीछे से बहुत ज़्यादा खिंचाव आता है। आपने कभी कभी किसी गले में देखा होगा मटका गला का शेप अच्छा नहीं आता और पीछे से बहुत ज़्यादा खींच, आपको कैसा लगता है कि आपको आपके दोनों शोल्डर को कोई पकड़ के रखा है, तो आपको बिल्कुल भी उसमें कम्फर्टेबल नहीं होता है। अगर आप इस तरह से अपने मटके गले का ब्लाउज या लहंगे का ब्लाउज कट करेंगे तो आपका जो पीछे का शेप है एकदम इतना परफेक्ट आएगा और आपको पहनने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आप इस तरह से अपने ब्लाउज को बनाइएगा, बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे देखिए जो हमने एक्स्ट्रा लिया था वो हमने बढ़ा के यहाँ पे कट करके निकाल दिया है। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए ये चार्ट का निशान लगा दिया 1 इंच पे। जब मैं यहाँ पे प्रिंस कट का जो लाइन को कट करूँगी और जोड़ूँगी उसके बाद में मैं यहाँ पे कर दूँगी बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पे जो सामने से घुमाव है बहुत अच्छे से आता है। तो अभी देखिए ऊपर से मैंने 10 इंच पे निशान लगाया है, ठीक है। अब यहाँ पे और नीचे से लगाया है मैंने 3.5 इंच पे। तो इन दोनों को अब हम मिला लेंगे। तो ये जो लाइन है सेम ही रहती है, चाहे आप फोर टक्स का बनाओ और चाहे आप वन टक्स का, चाहे प्रिंसेस कट का, ठीक है। अब यहाँ पे 1.5 इंच को हमने इस तरह से एक लाइन उसमें लेके मिला ली है। अब यहाँ पे देखिए नीचे की जो फिटिंग है वो है हमारी 29 इंच की। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे 7.5 इंच पे ऐसे निशान बना लिया है। और अभी देखिए यहाँ पे क्या करना है, जो यहाँ पे 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है जो प्लेट ली है तो उसको हमें 1.5 इंच यहाँ पे बढ़ा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किया है 10 इंच। अभी यहाँ पे ऊपर से देखिए यहाँ पे जो इसकी मेन फिटिंग है गले से वो यहाँ पे 34 इंच की है। तो मैंने यहाँ पे 32 इंच पे एक निशान बना लिया है। और अभी यहाँ पे मैं ये वाला जो हमने कर दिया है उसको हम इस तरह से ले जाते हुए और इसमें राउंड करते हुए ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो ये हो गई है हमारी प्रिंसेस लाइन, ठीक है। अब इस तरह से मिलाने के बाद तो अब हम आपको बताते हैं कि हमें एक्स्ट्रा कपड़ा क्यों लेना होता है, अलग से पार्ट क्यों कट करने होते हैं। तो अब ये देखिए 1/2 इंच पे हम इस तरह से इसे ले जा रहे हैं, ठीक है। इधर का 1/2 इंच हुआ, अब ये इधर का 1/2 इंच हुआ। तो इसको पकड़ के हमें सिलाई लगानी है, ठीक है, इस तरह से। तो अभी देखिए यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा हो रहा है, ठीक है। तो अभी जो हमने मेन निशान लगाया था उससे देखिए यहाँ पे कितना हटके आया है। तो इसीलिए ये जो फ्रंट पार्ट होता है वो हमेशा हमें साइड से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। अभी यहाँ पे हम कटिंग करेंगे तो कटिंग हम जो बीच वाली लाइन थी ना जो हमने पहले स्टार्टिंग में निशान बनाया था उस पर ही हम कट करेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे आप कफ्स वगैरह लगाएंगे और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अलग नहीं करना है, बस इस जो प्रिंसेस कट ब्लाउज रहता है बस इसमें यही ज़्यादा मायने रखना पड़ता है, क्योंकि अगर ये दोनों अच्छे से नहीं लगेंगे तो आपका जो सामने से लुक है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हमें इसमें सारे निशान एकदम बराबर मिलाने होते हैं। तो अभी देखिए इसके गले को बढ़िया से कट कर लेंगे और अच्छे से हमने इसके गले को कट कर लिया है। हमने यहाँ पे मंदिर गला बनाया था क्योंकि लहंगों पर ये गला बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो बढ़िया से कट के तैयार हो गया है।
और अभी यहाँ पे जो साटन का कपड़ा है उसको भी हमें रखे अच्छे से कट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने साटन के कपड़े को भी अच्छे से कट कर लिया है और अब हमारे पास बचा है नेट, तो अभी नेट को भी हमें कट कर लेना है अच्छे से। तो आप यहाँ पे देखिए इसका जो प्रिंट है, यहाँ पे जो फूल वगैरह बने हैं, तो बीच में यहाँ पे गले का शेप भी देते हैं। तो यहाँ पे ये हमने कॉटन का कपड़ा एकदम परफेक्ट कट किया था। तो इसके लिए क्या करना है हमें, ये देखिए यहाँ पे एक पहले सबसे पहले हम यहाँ पे बैक पार्ट निकाल लेंगे। तो इसके लिए बीच से जो बीच का फूल है उसको पकड़ते हुए हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करके यहाँ पे देखिए दूसरा भी पार्ट इसी साइड है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि दोनों को बराबर ही लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा बैक का है, वो हमारा फ्रंट का है। तो अगर हम वहाँ से फोल्ड करते हैं तो देखिए एक साइड में तो है 4 इंच कपड़ा, दूसरी साइड में बिल्कुल भी यहाँ पे बहुत कम कपड़ा है। तो ये बात का ध्यान रखना है कि जो बीच का फूल है वही मिलाना है, ठीक है। अगर एक साइड में तो हम जोड़ भी सकते हैं, अगर हमारा जो बीच का प्रिंट है वो ख़राब हो जाएगा तो हमारा जो गला है और जो ब्लाउज है वो एकदम ख़राब हो जाएगा, सारे फूल एक साइड ही आ जाएंगे। इस बात का काफ़ी ध्यान रखना है, ठीक है। हमें ऐसे ही फोल्ड करना है। ये 3 इंच कपड़ा हम इधर दूसरा ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने ऐसे फोल्ड किया है। अब यहाँ पर हम बैक पार्ट इस तरह से रखेंगे और इसको रख के यहाँ पर कट कर लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने गला किसी का भी कट नहीं किया है, सिर्फ जो मेन फैब्रिक है उसी पे कट किया है, और जो हमने नेट का कपड़ा है और साटन का कपड़ा दोनों में किसी का हमने नेक कट नहीं किया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऐसे ही इसका जो फ्रंट पार्ट है उसको भी कट कर लेंगे। और ये देखिए जो प्लेन कपड़ा है इस पर हम अपनी स्लीव निकालेंगे, इसमें ऐसे देखिए यहाँ पर ये ऐसे फ्रंट में जो हमारा बीच का फूल है उस पर ये ऐसे साइड का कपड़ा रखेंगे, ऐसे हमारे साइड में जो बंद वाला भाग है और इस साइड में खुला वाला, ठीक है। तो इसमें हम अपने दोनों साइड के पार्ट निकालेंगे, इस तरह से रख के और कट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये नेट का कपड़ा को भी हम एकदम परफेक्ट कट करेंगे क्योंकि ये फिसलता नहीं है, और जो यहाँ पे साटन कपड़ा था उसे हमने 1-1 इंच बढ़ा के कट किया है क्योंकि वो बहुत फिसलता है, जब हम इसको सेट करेंगे तब साइड में उसे कट करके निकाल देंगे, ठीक है, इस तरह से। और जो भी यहाँ पे साइड में कम ज़्यादा है उसे हम एडजस्ट करेंगे। तो इस तरह से हमने अपने फ्रंट और बैक पार्ट दोनों अच्छे से कट कर लिए हैं। तो अभी इसकी हम सिलाई करेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये बैक पार्ट हम जोड़ेंगे, तो इसके लिए हमने ये नेट लिया है, ठीक है। अब नेट के सबसे नीचे मैं रखूँगी सिल्क का कपड़ा और सिल्क के ऊपर मैं रखूँगी नेट का कपड़ा। अब हम दोनों को अच्छे से चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे, और इसके बाद में देखिए सिलाई लगाने के बाद में इसे हम कट कर देंगे। तो दोनों पार्ट को सबसे पहले हमें ऐसे ही करना है, नेट और सिल्क को अच्छे से रखे उनको अटैच करके और दोनों को एक ही कर देना है, ठीक है। इसके बाद में हम जो हमारा कॉटन का फैब्रिक है उस पर रखे इसके गले वगैरह बनाएंगे। और अभी मैं इस तरह से के ऊपर कॉटन का कपड़ा रखा और इसमें चारों तरफ पिन लगा देंगे, ठीक है। ये बीच की जो लाइन है गले की उस पर हमें ये सबसे पहले पिन लगाना है ताकि दोनों शोल्डर हमारे बिल्कुल बराबर रहें और गला भी बिल्कुल बीचा बीच में रहे, ठीक है। अब इसके चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते समय क्या करना है, देखिए आधे गले पर लगाई, अब इसके बाद में हमने यहाँ पर वापस लिया जहाँ पर मैंने ये 1/2 इंच छोड़ दिया था वहाँ से, और ऐसे करके पूरे गले पर बढ़िया से सिलाई लगा के इसके किनारे किनारे पे लगाएंगे। इसका जो कपड़ा है वो आधा पाँव छोड़ते हुए, नहीं तो बाद में कपड़ा खींचने का डर रहता है, तो इस बात की आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने पूरी गले पे बढ़िया सिलाई लगा दी है, अब इसे हम कट कर लेंगे। ये इस तरह से दोनों साइड से हमें खोलना है, तो हमने बीच से ऐसे कट करके पूरे में सिलाई लगा दी है। अभी यहाँ पर छोटे छोटे कट लगेंगे, ठीक है। कट लगने के बाद में इसे हम अच्छे से पलट देंगे। अब पूरे गले पे अच्छे से सिलाई लगा देंगे ताकि गला अच्छे से सेट हो जाए। तो पूरे गले पे सिलाई लगाने के बाद में यहाँ पे देखिए हमारा जो गला है बहुत ही प्यारा सा बनके तैयार हो गया है। तो अभी यहाँ पे मैं पीछे इसकी प्लेट लगाऊंगी, तो दोनों प्लेट्स को मैं अच्छे से यहाँ पे सिलाई कर दूंगी। अभी यहाँ पे हमारे प्लेट्स अच्छे से लग गई है, अब इसमें हम फिनिशिंग देंगे। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे हमने एक पट्टी कट करी है और उसको
नीचे की साइड में अच्छे से लगा देंगे और अंदर को पलट देंगे। सिलाई हम सामने से लगाएंगे ताकि सामने से फिनिशिंग हो जाए और पीछे की साइड में अच्छे से हेमिंग कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने दोनों साइड में अच्छे सिलाई लगा दी है। अभी क्या करना है, हमें इसे पीछे से खोलना है। अभी ऐसे ही हमें अपना फ्रंट पार्ट तैयार करना है। तो पहले मैंने यहाँ पे सील कर रखा, इसके ऊपर से मैंने ये नेट रखा और दोनों को अच्छे से चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इसके चारों तरफ बढ़िया से सिलाई लगा दी है पिन लगा के। और अभी यहाँ पे मैं ऐसे ही जैसे मैंने बैक पार्ट का जो गला रख के अच्छे से सील लिया था चारों तरफ सेट करके, ऐसे ही मैं इसको भी चारों तरफ सील के सेट कर लूँगी। बस इसका बीच का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऐसे ऐसे गले को पलट के बढ़िया से सिलाई लगा ली है। तो यहाँ पे ये जो साइड पार्ट हैं इनको हमें तीनों को एक जैसा ही रखना है और पिन लगाना है और तीनों को अच्छे से सेट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे गला नहीं बनाना है। गला बनाने की वजह से मैंने पहले दो को सेट किया फिर तीसरे को, और यहाँ पे मैं तीनों को साथ में करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे पहले मैंने सिल्क कपड़ा रखा, इसके ऊपर से नेट रखा और इसके नीचे अस्तर रखूँगी। तो इस तरह से तीनों लेयर को रखे और चारों तरफ बढ़िया से सिलाई लगा लूँगी। तो ऐसे ही हमें अपने दोनों पार्ट्स पे करना है और उनको अच्छी से जोड़ देना है। तो ये देखिए हमने जो नेट फैब्रिक और जो कॉटन का एकदम बराबर कट किया था, और अभी यहाँ पे देखिए ये जो हमारा सिल्क फैब्रिक है उसको हमने थोड़ा ज़्यादा कट किया था, क्योंकि होता क्या है ये सिल्क बहुत सरकती है, तो अगर हम बिल्कुल बराबर कट करेंगे तो ये पक्का अंदर या फिर छोटा बड़ा हो जाएगा। तो अभी ऐसे इस तरह से हमने इसको छांट लिया है और दोनों पार्ट को हम ऐसे तैयार कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे बढ़िया से तैयार हो गए हैं। तो दोनों को तैयार करके अब अभी हमें लगानी है बीच में पाइपिंग। तो चलिए अभी पाइपिंग लगा लेते हैं पहले, उसके बाद में मैं नीचे से इसको अटैच करूँगी। तो मैं यहाँ पे और एक पट्टी कट करूँगी और इसके बाद में मैं इसे देखिए बीच से ऐसे ज्वाइंट कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने एक इंच से ज़्यादा थोड़ा सा 1.25 इंच तक पट्टी कट करी है, क्योंकि यहाँ पर मुझे इसके अंदर मोटा वाला धागा फंसाना है और उसी से मैं पाइपिंग बना के अच्छे से तैयार करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने वन साइड वाला यहाँ पे फुट लिया है और इसी से पाइपिंग बहुत अच्छी बनती है, तो मैंने इसी से पाइपिंग बना के तैयार की है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी अच्छी एकदम फिनिशिंग के साथ यहाँ पे पाइपिंग बन के तैयार हो गई है। और अब यहाँ पे इसका जो पार्ट है वो मैं ऐसे जोड़ लूँगी। और पहले पाइपिंग हमने इसलिए लगा ली है क्योंकि फिर अभी पीछे से हमें सिलाई दिखेगी कि हमने जो पाइपिंग लगा थी हमें सिलाई कहाँ पे दी है। अब उसी सिलाई पे हम एकदम पूरा यहाँ नीचे तक सिलाई देंगे, ताकि जो हमारी पाइपिंग है कभी कभी ऐसा होता है कि कभी ज़्यादा दब जाती है कम दब जाती है, तो वो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एकदम इसी के लाइन पर सीधे मैं सिलाई लगा दूँगी और इसके दोनों पार्ट जोड़ दूँगी, ठीक है। इससे हमारा जो फ्रंट का पार्ट है वो बढ़िया से बनके तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमने जो भी वीडियो है बहुत सारे मैं फेसबुक पे भी अपलोड करती हूँ राठौर ट्यूटोरियल पे ही। तो यहाँ पे देखिए कोई भी पार्ट खींचना या बढ़ाना नहीं है, इस तरह से देखिए बराबर आया है बिल्कुल। और यहाँ पर हमने पाइपिंग लगा के बढ़िया से दोनों पार्ट को जोड़ लिया है। तो यहाँ पर हमारे फ्रंट और बैक पार्ट दोनों अच्छे से तैयार हो गए हैं। और इसके नीचे भी देखिए हमने यहाँ पे फिनिशिंग दे दी है। तो अभी यहाँ पे मैं लेस लगाऊंगी, उससे पहले मैं सारे में लेस लगा दूंगी। तो जिस कलर का जो इसमें प्रिंट है उसी कलर के हमने यहाँ पे लेस लगा दी है, उससे हमारा जो ब्लाउज है और भी बनके खूबसूरत लगेगा। और अभी सबसे पहले मैं यहाँ पर शोल्डर अटैच करूँगी और उसके बाद में मैं गले पर लेस लगाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने दोनों शोल्डर अच्छे से जोड़ लिए हैं और अभी मैं लेस पीछे से लगाना शुरू करूँगी। और यहाँ पे जो मैंने लेस ली है तो रस्सी वाली लेस ली है, ये लेस बहुत आसानी से घूम जाती है और जैसा भी मैं इसका शेप देना चाहूँगी बिल्कुल वैसा ही इसमें सेट हो जाता है। तो आप जब भी लेस लगाइएगा तो ये देख ही लीजिएगा कि वो घूम रही है कि नहीं, क्योंकि घूमने वाली लेस को हम कैसे भी उसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लेस एकदम कंप्लीट हो गई है और अभी मैं बैक की पट्टी लगा लूँगी। तो उससे पहले सबसे मैं
फ्रंट का छांट दूंगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे फ्रंट में 12 या 13 का ही वो रहता है, तो यहाँ पे मैंने निशान बना लिए और वापस से मैं अच्छे से सेट करके वैसे रखूँगी, और रखने के बाद में फिर यहाँ पे मैं माप लूँगी। तो मैंने यहाँ पे देखिए 6 इंच पे निशान बना लिया है, और ऊपर से ऐसे मापूँगी जैसे कि मैंने कट किया था वहीं से, और दोनों में पहले पिन लगा लेंगे क्योंकि गला है ना, तो एक साइड में अंदर बाहर जा कहीं ज़्यादा ना कट जाए। और यहाँ से मैंने प्रॉपर निशान लगा लिया दोनों को, और अभी यहाँ पे मैं कर्व दूंगी। ठीक है, जब आप प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाते हैं तो उसका जो छांट है अगर आप बाद में देंगे तो उसकी फिटिंग ज़्यादा अच्छी आएगी। और यहाँ पे देखिए 7 इंच पे ये फिटिंग का निशान है, ठीक है 7.5 पे, और ये यहाँ से 8.5 पे। तो इस तरह से हमने सारे निशान अभी बिल्कुल फिक्स बना लिए, और अभी यहाँ से मैं ऐसे कर दूंगी। तो इस तरह से अगर आप प्रिंसेस कट बनाते हैं बाद में छांट देते हैं तो उसके जो आगे का जो राउंड होता है वो बहुत अच्छा आता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने जो भी इसका एक्स्ट्रा पार्ट था वो मैंने अच्छे से कट कर दिया है, और अभी यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे स्लीव लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पे स्लीवलेस भी रख सकते हैं। अगर आप स्लीवलेस रखेंगे तो आप यहाँ पे पाइपिंग लगा दीजिए, नहीं तो अगर आपको स्लीव लगानी है तो आप यहाँ पे छोटी सी या बड़ी जितनी भी स्लीव लगाना चाहते हैं अपनी पसंद की लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो ब्लाउज है एकदम परफेक्ट तरीके से तैयार हो जाएगा। पीछे की साइड में भी देखिए यहाँ पे भी मैंने निशान बना लिया है, और दोनों को अच्छे से जितना भी इसका एक्स्ट्रा पार्ट है वो कट करके बढ़िया से निकाल देंगे, देखिए इस तरह से यहाँ पे। और अभी देखिए लेस लग गई है, तो यहाँ पे मैं बटन पट्टी और काज पट्टी लगा दूंगी। तो यहाँ पे दोनों पट्टी अच्छे तैयार हो गई हैं, और अभी मैं आर्म होल को, तो यहाँ पे देखिए मैंने स्लिप्स को पहले ही बना के रखा है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो अगर आपको ये वाली स्लिप देखनी है तो मैं इसका वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अभी यहाँ पे देखिए इसकी जो पत्ती है तो वहाँ से मुझे निशान बनाना है और इसे बीच से लगाना है। कभी भी आप कोई भी स्लीव अगर अटैच करते हैं तो इसे बीच से ही लगाइए, इसे क्या है अगर वहाँ पे फूल होगा या कुछ भी होगा तो वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। बीच से लगाइए आधा इस साइड को, फिर बाद में आधा उस साइड से, तो इससे आपकी बढ़िया से स्लीव लग के तैयार हो जाएगी। अभी देखिए यहाँ पे जब हमने दोनों स्लीव्स को ऐसे ही जोड़ लेना है, उसके बाद में यहाँ पे हमें फिटिंग देना है। तो गले के बीच के निशान से यहाँ पे हमें 8.5 इंच पे ऐसे निशान बनाना है, और नीचे भी यहाँ पे देखिए फिटिंग का जो भी 28 इंच की हमारे नीचे की फिटिंग थी तो यहाँ पे हमने 7.5 इंच पे ऐसे निशान बना के उसे सीधा कर लेना है। और बाजू की थी हमारे यहाँ पे 5.5, देखिए यहाँ पे तो हमने 5.5 पे यहाँ पे निशान बना लिया है, और अभी यहाँ पे मैं पूरी सिलाई लगा दूँगी। ठीक है, तो ऐसे यहाँ से ऊपर से सिलाई लगाएंगे सीधी, तो जो कि जो हमारी सिलाई होती है ना साइड की वो भी एकदम सीधी ही रहती है। तो फाइनल हम जब भी निशान मानते हैं, जब हमारा क्या रहता है जब हम सिलाई करते हैं जब पूरा जोड़ते हैं तभी, क्योंकि जो हमने पहले निशान लगाए होते हैं उनमें से इधर उधर थोड़े बहुत होते हैं, तो इसमें भी देखिए जो हमने फाइनल निशान लगाया था उससे आधा इंच हट के इधर आया है। और अभी यहाँ पे मैं छांट दूँगी, और यहाँ से जो भी धागे वगैरह निकलते हैं उनमें भी साइड में सिलाई दे दूँगी। तो इस तरह से हमारा जो ब्लाउज है बढ़िया से कंप्लीट बन के हो जाएगा। इसके बाद में मैं यहाँ पे डोरी लगा दूँगी, और डोरी के साथ मैं यहाँ पे रेडीमेड लटकन लगाऊँगी। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो ब्लाउज है बढ़िया से कंप्लीट हो गया है, और इसकी स्लीव्स भी देखिए यहाँ पे कितनी प्यारी लग रही है, और यहाँ पे देखिए पीछे का गला भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा बन के आया है। तो कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।